Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to everyone. It's a special day for me because the person I've been waiting to talk to for a very long period of time, Brother Sabur Ahmed, finally he spared some time for me. And today we will not take a lot of your time. We will talk about some things that are pretty important in terms of creating the basis for the larger debate, which is to say that this is not just one-off talk. We will have a lot more talks. Sometimes I will have Brother Sabur with me. Sometimes, you know, the other premises, they will be talking about different things. But it's very important to have some kind of foundations there. Brother, I truly appreciate you being here, and allow me to pass my gratitude to yourself. Thank you so much. Jazakallah khair. Kaisar bhai, you know, aapka bohut shukriya. Aapne mujhe program pe invite kiya. Actually, main kehna ja raha tha ke पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग वर्ल्ड के अंदर जो आप काम कर रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट का, यानी हर इंसान अपने आप को किस तरह डेवलप कर सकता है सोशली, स्पिरिचुअली, मॉरली और ऑब्वियसली प्रोफेशनली, तो इसकी यानी आप जितनी आप इस काम का आप यानी आप इसकी तारीफ़ करें आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली आपको पता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वेस्ट में भी काम किया, आपने पाकिस्तान में भी काम किया है, कि हम हमारे मुल्क के अंदर रिसोर्सेज का मसला नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर ह्यूमन कैपिटल का मसला नहीं है, एक्चुअली इनोवेटिव आइडियाज़ का मसला नहीं है, मगर जो एक्चुअल स्ट्रेटजीज हैं, जो आप कह सकते हैं आपके माइंड को शार्पन करना और जो प्रोफेशनल कोचिंग टाइप ऑफ सर्विसेज हैं, इन चीज़ों की कमी की वजह से लोगों की पोटेंशियल पूरी तरह यानी कंप्लीट नहीं होती। तो जो आप काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हम आज तो इल्हाद पे बात करेंगे, इवोल्यूशन पे बात करेंगे, डार्विनिज्म पे बात करेंगे, मगर जो आप ऑब्वियसली काम कर रहे हैं ये यानी हम इसको रिकग्नाइज करते हैं इस्लाम में, इस किस्म का जो आप प्रोफेशनलिज्म है ये भी एक किस्म की इबादत है, क्योंकि आप बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, आप अपने काम के अंदर बेहतराई लाना चाहते हैं, और यानी इस्लाम के अंदर एक बहुत पावरफुल एम्फेसिस है वर्क एथिक पे, यानी वर्क एक इबादत है, यानी हम मस्जिद के अंदर बैठ के बस जिक्र नहीं करते, एक्चुअली इस्लाम के अंदर एक बहुत पावरफुल इंकरेजमेंट है कि आप यानी तजारत करें, बिजनेस करें। जो हमारे एक यानी बुज़ुर्ग थे इस्लाम के अंदर, जो इब्न तैमिया, उन्होंने कहा था कि अगर आप तजारत करें तो आपको तजारत करनी चाहिए, क्योंकि आपका इसके तवक्कुल ज़्यादा इंक्रीस होता है। तो यानी जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है और जो पर्सनल डेवलपमेंट हो, इन चीज़ों के अंदर जो आप जिसके बारे में आप बात करते हैं, इसकी बहुत यानी पाकिस्तान के अंदर नीड है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया। I mean, these are all accolades, certificates, and really, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Truly, it means a lot. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज हम बात करेंगे ज़्यादा इल्हाद पे और जो evolution है, Darwinism है, उस पर. तो let us set a tone कि science without philosophy of science, it's difficult to understand, given the fact कि वो इतनी डाइवर्स हो गई है. पहले तो बड़ी लिमिटेड सी साइंस दुनिया में हुआ करती थी, बट द वे इट हैज़ यू नो एक्सप्लोडेड, तो फिलोसफी से इसका जो ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसका वो इवन दो साइंटिस्ट अब ज़िद करते हैं कि नहीं, फिलोसफी जो है उसको हमने ख़त्म कर दिया है. अगर आप नील डीग्रासे टायसन और इस तरह के और इवन डॉकिंस, बहुत से लोगों को सुने तो वो ये समझते हैं कि फिलोसफी जो है वो आउट ऑफ डेट हो गई है. लेकिन मैं एक प्रोपोजिशन के साथ में स्टार्ट करना चाहता हूँ और आपकी मैं राय लेना चाहता हूँ कि गिवन द फैक्ट कि जो मटीरियलिस्टिक साइंस है और इवोल्यूशन है और विद इन इवोल्यूशन जो डार्विनिज्म है, इसके बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक्चुअली ये है ही फिलॉसफी बट इट्स डिस्गाइज्ड एज साइंस, क्योंकि हर वो चीज़ जो जिसका इल्ज़ाम हम मुसलमानों पे लगता है, जनरली स्पीकिंग खुदा के मानों पे लगता है, वो ईसाई हों या यहूदी हों, कि भैया आपने हर चीज़ में खुदा को घसीट दिया, पता नहीं है खुदा कैसे काम करता है, दिस एंड दी अदर, एंड इट मेक्स वन वंडर कि नेचुरल सिलेक्शन और खुदा में क्या फ़र्क है. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट अंडरस्टैंड कि नेचर की नेचर क्या है, वो सिलेक्ट क्यों करती है, इट इज़ ऑल द सेम फॉर नेचर, इन डिफरेंट है, तो वो क्यों सर्कमस्टांसिस क्रिएट करती है कि कुछ स्पीशीज़ को अडेप्ट करना होता है और कुछ एक्सटेंशन में जाती हैं, वाई डज इट डू सो. तो आई मीन ये गहरी फिलॉसफी के बगैर ये सवाल समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है. आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, आपने बहुत
यानी अच्छी समरी दी है जो आजकल पॉपुलर लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग है, नील डिग्रास टाइसन को आपने रेफरेंस किया, ये डॉकिंस को किया, ये जो लोग फिलॉसफी को रबिश करते हैं, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि जो पॉपुलर नैरेटिव है वो नॉइज़ है। जो एकेडमिया के अंदर जो एक्चुअल साइंसदान हैं और फिलोसोफर्स हैं और एकेडमिक्स हैं, उनकी बात हमें सुननी चाहिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। पहली ये बात है कि फिलॉसफी ऑफ साइंस एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड और वेल रिस्पेक्टेड फील्ड है, और फिलॉसफी आप सोच आप यानी एनालॉजी ये हो सकती है कि जो दरख्त है साइंस का, उसका जो मेन ट्रंक है वो शुरू होता है फिलॉसफी से, वेरी और ट्रू, फिलॉसफी के बाद साइंस, मैथमेटिक्स और वेरियस ब्रांचेस यानी सेपरेट हुई थी, और जो लेट विक्टोरियन एरा था उसके अंदर तो एक्चुअली साइंसदानों को साइंसदान नहीं कहते थे लोग। जिस तरह चार्ल्स डार्विन को एक्चुअली एक नेचुरल फिलोसोफर का नाम उन्होंने दिया था कि ये नेचुरल फिलोसोफर है, तो आइजेक न्यूटन को भी फिलोसोफर का लेबल दिया होगा, और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी अगर हम पीछे जाएं, बिन हैथम और ये जो लोग थे वो पॉलीमैथ्स थे, यानी फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, ऑप्टिक्स, ये सारी चीज़ें करते थे। तो जो लोग बाद में जाके आजकल ये जो पॉपुलराइजर्स हैं ये कहते हैं कि साइंस की कोई यानी कोई नीड नहीं है फिलॉसफी के लिए, ये लोग एक्चुअली साइंस नहीं करते, ये अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर क्योंकि ये साइंसदान हैं और फेमस हैं तो लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली साइंटिफिक स्टेटमेंट है, या ये साइंस साइंसदानों के ओपिनियंस को ये रिफ्लेक्ट कर रही है, मगर एक्चुअली ये बात नहीं है। अब देखें फिलॉसफी ऑफ साइंस के अंदर जो बहुत अजीम किस्म के जो फिगर्स हमारी हिस्ट्री में आए, जिस तरह टॉमस कून एक बहुत फेमस फिलॉसफर ऑफ साइंस है, उस बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स थी, वो फिजिशियन था, फिर उसने फिलॉसफी ऑफ साइंस के बारे में लिखना शुरू किया, और उसकी जो किताब है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, वो आजकल हर फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टेपल किताब है, जिसके ऊपर ये यानी काफ़ी यानी तर्जमा लोग निकालते हैं, और यानी उसके वेरियस ब्रांचेज भी हैं कि कून का यानी एक स्कूल ऑफ थॉट है, कोर स्कूल ऑफ थॉट है। तो ये जो इन्होंने फॉल्स डाइकोटमी बनाई है कि या आप साइंस या फिलॉसफी, एक्चुअली चीज़ें लिंक्ड हैं, और जिस तरह आपने बहुत कंसाइज तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, या एक ट्रांसेंडेंट क्रिएटर का नेचुरल सिलेक्शन के साथ, यानी जिस तरह एलियट सोबर एक फिलोसोफर ऑफ बायोलॉजी, वो इस तरह बात करता है कि यानी अंडर द रेडार पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर रही हो और खुदा का भी एक रोल हो, यानी ये जो डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं ये आप यानी एक आंख बंद करके नहीं कर सकते, यानी आपके अगर अपनी अपने आप को आप हैंडीकैप करें तो ये नहीं कर सकते। तो ये जो पॉपुलराइजेशन है इनके बारे में मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉकिंस जिस तरह बहुत ओपनली फिलॉसफी और साइंस और फिलॉसफी को इतनी अहमियत नहीं देता, मगर उसका एक एजेंडा है इसके पीछे, ठीक है, और जो फिलोसोफर्स और साइंस हैं जो खुद भी मुल्हिद हैं और वो खुद भी न्यू एथियज्म का एक पार्ट हैं, जिस तरह मैसिमो पिगलूशी एक फिलोसोफर है, वो भी एथियस्ट है, वो भी यानी डॉकिंस की तरह रिलीजन के अगेंस्ट है, जी मगर वो डॉकिंस के बारे में कहता है कि ये मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म वो एक कॉन्सेप्ट है, और फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म वो एक और कॉन्सेप्ट है, और ये बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर, इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं डिटेल में। वो ये कहता है कि डॉकिंस को ये बात भी नहीं आती, वो इन दोनों चीज़ों को कन्फ्लेट करता है, और ये फिलोसफी 101 है, यानी फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर ये बिल्कुल सरफेस लेवल चीज़ है। तो वो मैसिमो पिगलूशी ये कहता है कि ये एक फलेशियस थिंकिंग को इसने बेसिकली पॉपुलराइज किया है डॉकिंस ने। तो आजकल के जो फिलोसोफर्स हैं, जो डॉकिंस को, नील डिग्रास टाइसन को, लॉरेंस क्राउस को, इन लोगों को ये
रिफ्यूट करते हैं, उनकी आवाज़ें इस समंदर के अंदर एक कतरा हैं। क्योंकि आजकल लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ये बंदा बड़ा है, और एकेडमिकली वो नहीं देखते कि इसकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि एक्चुअली एक एकेडमिक की डेफिनेशन क्या है। तो इसीलिए जो जिस किस्म के हम पॉडकास्ट आज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को पता चले कि जो पब्लिक परसेप्शन है, जो एकेडमिक परसेप्शन है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, एब्सोल्युटली। और ये जो आपने डॉकिंस की बड़ी एक्यूरेटली आपने एनालाइज़ किया है। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था डॉकिंस का ब्रायन ग्रीन के साथ, और ब्रायन ग्रीन ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि अगर कल वाकई खुदा का वजूद साबित हो जाता है तो फिर। और डॉकिंस का रिस्पॉन्स जो एक्सपेक्टेड था किसी एक ऐसे सेल्फ रिस्पेक्टिंग एक पढ़े लिखे एकेडेमिक से, कि अगर हो जाता है तो ठीक है, कोई एक रियलिटी होगी, बात ख़त्म हो गई है। पर हिज एक्चुअल रिप्लाई वॉज के दैट वुड अंडरमाइन द होल साइंटिफिक एंटरप्राइज, देयरफॉर आई एम नॉट एट ईज विद इट। नाउ हियर इज़ द प्रॉब्लम। अगर खुदा का वजूद साबित हो जाता है, यानी हमारा तो ईमान है, मैं एथियस की बात कर रहा हूँ, कि अगर खुदा का वजूद साबित हो जाता है तो दैट वुड बी इन डीड द ट्रूथ। आप उस ट्रूथ को इग्नोर कर देंगे बिकॉज ऑफ योर साइंटिफिक एंटरप्राइज। एट द एंड ऑफ द साइंटिफिक एंटरप्राइज की एग्जिस्टेंस होती है, मकसद क्या है इसका? टू फाइंड द ट्रूथ। देर इज़ द ट्रूथ, देर इज़ गॉड, देर इज़, अगर वो खुदा साबित आपके सामने हो जाता है। लेकिन डॉकिंस ये कह रहा है कि हम एक हकीकत को, अटल हकीकत को भी हम डिनाई कर देंगे, लेकिन जो हमारी जो साइंस है, और मैं पाकिस्तान में भी मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ कैच ऑन कर जाए कि साइंस और साइंटिज्म एक चीज़ नहीं है। वी जी हैव नो प्रॉब्लम विद साइंस, एब्सोल्युटली नॉट। साइंस के साइंस यानी हमारे एहसानात है साइंस पे। अभी आपने इब्न हाइसम का नाम दिया, और बहुत से बड़े बड़े जगह साइंटिस्ट गुजरे हैं हमारे, जिन लोगों ने यू नो साइंटिफिक मेथड दिया, नंबर ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन साइंटिज्म के एक ऐसा साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू बना लेना कि जो कुछ भी है वो इट्स आइदर, जिसे कहते हैं कि एटम्स और वॉइड, वो मटीरियलिज्म पे है, और उसके बाद साथ उसके नाइलिज्म ऐड कर दे कि उसको कोई मकसद नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे नाम मेरे जहन से निकल गया है। एक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन डॉकिंस ने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना दिया कि आपको कन्विंस करे कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल सच अ रिमार्कबल वे ऑफ पुटिंग इट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक नया जो एक दीन है साइंटिज्म का, उसको कोई किसी भी दीन को जब फिलोसॉफिकली चैलेंज किया जाए और लोगों के पास जवाब ना हो तो वो अनकंफर्टेबल होते हैं। एंड आई डोंट सी एनी डिफरेंस हियर। ये भी बिल्कुल अनकंफर्टेबल होकर उसको डिनाई कर देते हैं। और मेरा जो इससे जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखें, हम साइंटिफिक थियोरीज जो होती हैं, यू नो वी हैव दी एग्रेसिव नीड, हमारा माइंड जो है इसको मोर और मोर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की ज़रूरत होती है, दैट इज़ ट्रू। बट अगेन, उस नॉलेज का हम करें क्या? तो दो डिविजन्स टू हिस्टोरिकली फिलोसफी और साइंस में माफी चाहूँगा जो हमें मिल जाती हैं, साइंटिफिक रियलिज्म और इंस्ट्रूमेंटलिज्म। के रियलिज्म में कि जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं इनको ठीक मान लिया जाए या तकरीबन ठीक मान लिया जाए, वेयर एज इंस्ट्रूमेंटलिज्म के नहीं, आप हमेशा आगे बढ़ें, नई से नई चीज़ आप लेके आए। मैं बेसिकली मैं ये बात कर रहा था कि जो साइंटिफिक रियलिज्म और इंस्ट्रूमेंटलिज्म की, ये हमारे जो एथियस दोस्त हैं ये साइंटिफिक रियलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्टेड हैं, लेकिन इट शुड नॉट मेक एनी सेंस एंड इट डज नॉट मेक एनी सेंस। क्योंकि अगर हर वो चीज़, और ये तो हर 100 200 साल के बाद एक गलत फहमी होती है कि जो भी हमने ईजाद करना था वो कर लिया है, जो भी हम वट एवर वॉज देयर टू बी फाउंड हैज़ बीन फाउंड, तो वो उस पर उसको तो हम रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो जो टेक्निकल क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अगर हम साइंटिफिक रियलिज्म विच पॉजिट्स के साइंटिफिक थ्योरीज को आप ठीक समझ लें, और दूसरा जो है ओकम्स रेजर के यू नो जो नेसेसिटी है उसके बियॉन्ड आप ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में ना जाएं, और माय प्रॉब्लम इज़ कि अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाए, एंड आई सी द पैटर्न इन एथीज़म जो 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 इवोल्यूशनिस्ट्स हैं उनमें, कि एक तो उन्होंने ही तय करना है कि वट नेसेसरी है, कि यही नेसेसरी है जो हम आपको बता रहे हैं, एंड देन टिल टूवर्ड्स द साइंटिफिक रियलिज्म के इसी को आप ठीक मान लें, देर इज़ नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड। ये बगावत है साइंस से, ये धोखा है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी, आपने बहुत यानी अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली
ये लोग जो हैं ये टिल्ट होते हैं रियलिज्म की तरफ, और ये उसको एक किस्म का आप कह सकते हैं हायर मकाम देते हैं, यानी और हाई मकाम नहीं, यानी मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली रियलिज्म है भी क्या। क्योंकि जिस तरह आपने डिस्क्राइब किया कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म के अंदर आइडिया ये है कि साइंस गिव्स यू इंस्ट्रूमेंटली यूजफुल थियोरीज एज अपोज टू ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, और रियलिज्म का ये मेन क्लेम है कि एक्चुअली साइंस रिफ्लेक्ट्स द साइंटिफिक थियोरीज रिफ्लेक्ट द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस ऑफ द वर्ल्ड। मगर प्रॉब्लम आपको वही है कि जो एथियस्ट कहता है कि एक्चुअली मैं रियलिस्ट हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंटलिज्म को रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा दिल है कि साइंस के अंदर ज़्यादा सर्टेंटी हो। इसका रिप्लाई आप टॉमस कून या कोई और समीर ओकाशा या जो भी कोई पॉपुलर फिलासफर साइंस है वो कि ये कह सकता है कि चलो भाई ठीक है आप रियलिस्ट हो, मगर आपको प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन और अंडर डिटर्मिनेशन, प्रॉब्लम अनकंसीव्ड अल्टरनेटिव्स, थियरी लेडननेस, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं फिलासफी ऑफ साइंस के अंदर, ये दोनों इंस्ट्रूमेंटलिज्म और रियलिज्म दोनों पे अप्लाई करती हैं। तो एक्चुअली आपकी कोई प्रोग्रेस रियल नहीं हुई। तो ये एक्चुअली लोग ऑफन आप, और हमने रिकॉर्डिंग करने से पहले आपने इसके बारे में बात की थी कैसर भाई, कि ये लोग एक्चुअली इन किस्म के लेबल्स इस्तेमाल करते हैं एज इफ इट्स गोना हेल्प देम, जब इनको एक्चुअली समझ नहीं आती कि दे आउट ऑफ द पैन एंड इनटू द फायर, यानी आप उसी सिचुएशन के अंदर हैं जिस सिचुएशन से आप एस्केप करना चाहते हैं, मगर फ़र्क ये है कि आपने एक आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल की है जो फॉल्स है। तो अक्सर ये जो मुल्हिद होते हैं इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने एक या दो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज या फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने रटा लगा दिया और आपको ये यानी आपकी तरफ फेंकते हैं, तो बस आप यानी पीछे होके कहेंगे चलो भाई ठीक है, मगर रियलिटी में ये एक गन फाइट के अंदर एक चम्मच लेके आ रहे हैं, यानी ये इक्विप्ड छुरी सिचुएशन है भी कंप्लीटली। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, छुरी तो आप ज़्यादा चैरिटेबल हो रहे हैं। तो रियल मसला ये है कि इन लोगों का जो मकसद है वो ये है कि ये साइंस और फिलॉसफी के थ्रू, जब ये फिलॉसफी को मानते हैं जो 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 एक्चुअल ज़्यादा लर्निंग है, वो गॉड को अंडरमाइन करें और मिरेकल्स को अंडरमाइन करें। और इसकी जो मेन आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट उनकी ये है, उनकी ये आर्ग्यूमेंट है कि साइंस में हम नेचुरल कॉज और नेचुरल इफेक्ट देखते हैं, और जिस तरह आपने पहले अलूड किया कि डॉकिंस कहता है कि अगर यानी खुदा है तो साइंस रुक जाएगी। तो अगेन उन्होंने क्या किया है, जिस तरह मैसिमो पिगलूशी को मैंने पहले रेफरेंस किया था, उन्होंने मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म को मिसअंडरस्टैंड किया। अच्छा, मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म बेसिक आइडिया ये है कि जब आप दुनिया में जाके देखेंगे कि एक इफेक्ट है, फिर आप उस इफेक्ट का एक नेचुरल कॉज ढूंढेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये इफेक्ट है तो इस इफेक्ट के पीछे कोई कॉज है मगर हमें पता नहीं है ये कॉज क्या है, मगर ये या ये कॉज मेटाफिजिकल है जो हमें कभी समझ नहीं आ सकती। तो देखें, हमें ये बार बार चीज़ साबित होती है इस्लामिक हिस्ट्री से और डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़र आती है ये चीज़ कि इस्लाम के अंदर कॉज एंड इफेक्ट जो फिजिकल कॉजेशन है इसके ऊपर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिस तरह हमें एक सही हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि हर डिजीज़ का एक क्योर है, ठीक है, और हमें क्योर ढूंढना चाहिए। मैं इस हदीस को पैराफ्रेज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें साफ नज़र आती है इस्लाम के अंदर कि फिजिकल इफेक्ट का एक फिजिकल कॉज है। हम ये नहीं कहते कि हमें कॉज की ज़रूरत नहीं है और हम बस यानी इग्नोर करें इस चीज़ को। तो जो इबन हैथम थे जो 1000 साल पहले, जो जिनको कोई लोग कहते हैं फर्स्ट प्रोटो साइंटिस्ट थे, या डेविड सी लिम्बर्ग या पेट्रिशा फारा, ये जो एकेडमिक्स हैं ये इबन हैथम के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने साइंटिफिक मेथड को डेवलप किया ग्रीक्स के बाद, जो यूनानी लोग थे जो जिन्होंने ऑब्वियसली साइंस पे काम किया। तो उनका भी एम्फेसिस था कि फिजिकल इफेक्ट्स और फिजिकल कॉजेज का लिंक हम ढूंढें। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई लिंक ही नहीं है और ये चीज़ जो है ये कंप्लीट यानी मिस्ट्री है। तो ये अक्सर जो आर्ग्यूमेंट्स इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ये स्ट्रोमैन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक बड़ी आसान
टेक्निक है कैसर भाई, कि हम इन लोगों को चैलेंज कर सकते हैं। हम इनसे ये कह सकते हैं कि तुम लोग हमें स्ट्रो मैन कर रहे हो, तो चलो हमें स्टील मैन करो। तुम हमें एक्चुअली बताओ कि तुम क्या समझते हो, हमारी बिलीव्स क्या हैं। और एक्चुअली जब ये खुद बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली इन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया कि इस्लाम इरेशनल है। उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की होती हमारी एपिस्टमोलॉजी में, हमारी मेटाफिजिक्स में, और उन्होंने बस एक फॉक्स न्यूज़ टाइप ऑफ नैरेटिव इस्लाम के खिलाफ तैयार किया होता है। और अक्सर ये आपको स्टील मैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास यानी वन और टू सेंटेंसेस के बाद ये कोई और बात नहीं कर सकते इस्लाम के बारे में। और हम इनको ये जवाब दे सकते हैं कि अगर आपने एक 1400 साल पुराना सिस्टम है, जो इस्लाम का सिस्टम है, उसको अगर आपने चैलेंज करना है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा होमवर्क करें, थोड़ा सा यानी थोड़ी सी एफर्ट डालें। ये इंटेलेक्चुअल लेजीनेस यानी ये बहुत पैथेटिक टाइप ऑफ बिहेवियर है। जी एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुतफिक हूँ। और ये मतलब इस कदर बचकाना किस्म के जो आइडियाज़ हैं कि लिटरली एक एक जो है ना स्कूल पढ़ता बच्चा, अगर वो भी उनको कंबाइन करे तो उसको समय, इनफैक्ट कि मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ बजाय इसके कि मैं वैसे रैंटिंग करता रहूँ। मुझे 100 आयात कुरान की भेजी एक आदमी ने कि देख लीजिए आपके कुरान में इनकन्सिस्टेंसीज हैं, गलत एक आयत है, फिर उसका कंपैरिजन किया, फिर दूसरी है, फिर तीसरी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहला कंपैरिजन किया था कि कुरान में लिखा हुआ है कि ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, और फिर आगे लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें शक है तो तुम ईसाइयों और यहूदियों से पूछ लो, इनके अगेन मफहूम है उस आयत का। मैं भी पैराफ्रेज कर रहा हूँ कि ये तो कंट्रोडिक्शन होगी ना, कि तो कहता है शक ही नहीं है, फिर कहता है शक है तो वो कर लो। आई मीन हाउ जीनियस डू यू हैव टू बी कि कहाँ, यानी अगर मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि मैं एग्जाम में पास हो गया हूँ, यू नो पक्की बात है मैं पास हो गया हूँ, और साथ में कहता हूँ यार तुम्हें शक है ना तो वो रिजल्ट रिजल्ट शीट है वो देख लो, तो आगे से कहे कि हाँ यही से तुम्हारा फेलियर साबित हो गया, अभी तुम कह रहे थे पक्की बात, अभी कह रहे हो कन्फर्म कर लो। डू यू रियली हैव टू बी आइंस्टाइन लाइक दिस? यानी ये वो बचकाना बातें कि जिसका कोई सर नहीं है पैर नहीं है। और अगर ये आम लोग करें ना तो मुझे इससे कोई इशू भी ना हो, ऑनेस्टली मुझे कोई इशू ना हो। प्रॉब्लम यह है कि इनके जो चीफ प्रपोनेंट्स हैं, वो लोग हैं जो इनके थॉट लीडर्स हैं, उनमें भी यही गलतियां पाई जाती हैं। मैं आपका एक देख रहा था, एक एक डिबेट एरन रॉ से, कि आप उसको बता रहे हैं कि लुक डार्विनिज्म जो है एक रिलीजन की तरह है, और आप माइकल रूज की किताब का हवाला दे रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो ये है, एंड दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ इट। इसलिए कि हम तो कहते हैं ना कि हम मानते हैं कि हम अनदेखी चीज़ों पे ईमान लाते हैं। आप एक जो इवोल्यूशनिस्ट्स हैं या डार्विनिस्ट्स हैं मोर इन पर्टिकुलर, जो मिलियंस के हिसाब से दुनिया में हैं, आप उनसे पूछें कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप ईमान लेके आए हुए हैं साइंसदानों की बात पर, आपका अपना क्या एविडेंस है, आपने किस तरह, आप हाउ डू यू नो? आपके पास बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, जेनेटिक्स का आपको नहीं पता, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू ब्लाइंडली अनदेखी चीज़ पे ईमान लेके आए हुए हैं, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? और वो नहीं करेंगे, दैट इज़ एग्जैक्टली वो उनके ऑब्जेक्शन हम पे है। तो अब एरन रॉक जवाब क्या आया आगे से, नहीं, ये इवोल्यूशन है बस, हम इसे डार्विनिज्म नहीं कहते। अगर आपको इवोल्यूशन और डार्विनिज्म का फ़र्क ही नहीं पता कि एक आइडिया है और दूसरा जो है उसका एक मैकेनिज्म है, वन ऑफ द मैकेनिज्म्स, और भी तो हैं, लमार्क का भी था, अभी जो थर्ड वे है जिसका आप बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं वो भी तो है, सो व्हाट डू वी कॉल देम देन अगर डार्विनिज्म ही इवोल्यूशन है? तो बेसिकली इनके थॉट लीडर्स भी इसी चीज़ का शिकार हैं कि दे जस्ट सिंपली डोंट अंडरस्टैंड। नाउ अच्छा, मैं अब एक इस टॉपिक पे आखिरी सवाल मैं आपसे करके तो फिर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। एक प्रोपोजिशन है मैं आपके सामने में रखना चाह रहा हूँ, और मेरे जो इसका नाम है वो ये है कि अगर आपका आपका हाइपोथेसिस गलत है तो नो अमाउंट ऑफ एविडेंस कैन करेक्ट इट, अगर वो शुरू से गलत है तो। सो लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। अगर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं आपके पास जाता हूँ और कहता हूँ सबूर भाई मैंने एक लैपटॉप लेना है, और मैं कोई बड़े हाई मॉरल कैरेक्टर का आदमी भी नहीं हूँ, चोरी चकारी भी कर लेता हूँ, और आपको ये बात पता है, अब आपको पता है कि मैं इतना अच्छा इंसान भी नहीं हूँ, आपको पता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, और आपको पता है मुझे लैपटॉप भी चाहिए। अगले दिन आप मुझे देखते हैं कि लैपटॉप मेरे हाथ में है, एक आदमी आपसे कहता है कि मैंने कैसर को देखा था फलां गली में रात को 12 बजे ये जा रहा था, फिर एक और आदमी आपसे कहता है कि रात को 12:15 पे मैंने इसे देखा, ये एक घर में जा रहा था और 10 मिनट के बाद ये वापस आया तो उसके हाथ में लैपटॉप था। ये सारा एविडेंस इकट्ठा करें तो आपका हाइपोथेसिस एक थ्योरी में कन्वर्ट हो जाता है कि बिल्कुल इसने चोरी की है।
पर हाउ डू यू नो कि मैंने अपने दोस्त को कॉल नहीं की कि यार मैं डेस्परेट हूँ, मुझे लैपटॉप दो, और उसने कहा कि मैं तो छुट्टियों पे गया हूँ, तुम ऐसा करो मेरे घर जाओ, मेरे फलां रिश्तेदार से चाबी लो, घर जाओ मेरा लैपटॉप ले आओ, जब तक मैं यूज़ कर मैं छुट्टियों पे तुम उसे यूज़ कर लो। सो एवरी पीस ऑफ एविडेंस दैट यू हैड इट वॉज सपोर्टिंग योर हाइपोथेसिस कि ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो एविडेंस कैसे उसे ठीक करेगा? सो फॉर अस टू से कि ये जो ए प्रायोरी असम्पशंस हैं डार्विनिज्म की कि चीज़ें इवोल्व हुई हैं और फिर हम फॉसिल रिकॉर्ड को देखते हैं, ये करते कर देखते हैं, वो देखते हैं, उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हाइपोथेसिस ही गलत है तो दीज एविडेंसेस, आई मीन जस्ट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ अ लिटिल बिट मोर, कि जो ही एक नई चीज़ सामने आती है एकदम से उछल के कि वो देखे रही, अब हमारा डार्विनिज्म साबित हो गया। टिक्टॉलिक जो है वो फिश और एम्फीबियन के दरमियान की है, वो बाद में पता चला कि नहीं, जो टेट्रापॉड्स एम्फीबियंस हैं वो तो मिलियंस बाय सेवरल मिलियंस वो टिक्टॉलिक से भी पहले निकल के आ गए, और वो पोस्टर बॉय एक के बाद एक ख़त्म होता रहता है। तो आपकी मैं इस पे मैं ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि अगर आपका हाइपोथेसिस गलत है तो इट डजेंट मैटर कितना आपको सपोर्टिंग एविडेंस मिल जाएगा, वो गलत है तो उसको ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल कैसर भाई, और हम जो आपने बात किया बिल्कुल यानी करेक्ट किया, मगर इसके फ्लिप साइड पे अगर आपका हाइपोथेसिस अनटेस्टेबल है और आपका हाइपोथेसिस सारे एविडेंस को फिट कर सकता है, तो आपका हाइपोथेसिस सुपरफ्लस है, उसकी एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल मसलन सही। जो एक वो था फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, जो एक साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट था, बड़ा फेमस साइकोलॉजिस्ट, हम बड़े चैरिटेबल तरीके से उससे लेबल करें, मगर उसकी फेमस बात ये थी कि उसकी थियरीज अनफॉल्सिफाइबल थी, कि वो कहता था जिस तरह एक औरत और एक मर्द की अगर लड़ाई हो, तो वो कहता था इनकी लड़ाई है क्योंकि जो औरत है वो मर्द से जेलस है, उसके यानी उसकी एक थ्योरी थी इसके बारे में, और जब उनकी लड़ाई ना हो और जब वो एक्चुअली उनकी रिलेशनशिप चल रही हो, फिर भी वो उसी थ्योरी को यानी कहता था कि ये थ्योरी अप्रूव हो रही है क्योंकि यानी इन दोनों की लड़ाई नहीं हो रही। तो एक थ्योरी जो टू ऑपोजिट्स फिनोमेना को एक्सेप्ट करती है, उस थ्योरी की कोई वैल्यू नहीं है, वो थ्योरी है सुपरफ्लस है। तो डार्विनिज्म का मसला ही यही है, और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, मैं यानी मैं कौन हूँ, आपको एथियस्ट फिलोसोफर्स मिलेंगे और यानी टॉप रैंकिंग एथियस्ट फिलोसोफर्स मिलेंगे जो यही बात कहते हैं। टॉमस नेगल एक एथियस्ट फिलोसोफर है, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक किताब पब्लिश की है, माइंड एंड कॉस्मोस, उस किताब के अंदर ये बात करता है नियो डार्विनिज्म के बारे में, और वो ये कहता है कि नियो डार्विनिज्म एक वेल एस्टैब्लिश साइंटिफिक रिगरस थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअली एक गवर्निंग असम्पशन है उस इंटायर बायोलॉजिकल फील्ड की। क्योंकि इसके बारे में हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर कोई खुदा नहीं है, अगर कोई क्रिएटर नहीं है, अगर कोई गॉड नहीं है, और अगर हम अस्यूम करें कि ये सारी कायनात है, जो सारे यानी एलिफेंट, ग्रास, बैक्टीरिया, सारा कुछ, इसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सम टाइप ऑफ नेचुरलिस्टिक इवोल्यूशन, वो आप कह सकते हैं ट्रू है बाय लॉजिकल नेसेसिटी, नॉट साइंटिफिक एविडेंस, लॉजिकल नेसेसिटी। क्योंकि आप ये कहेंगे कि अच्छा ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, इनसे पहले कोई और चीज़ें होती होंगी, वो ज़्यादा सिंपल होती होंगी। तो डार्विनिज्म हम इसको जिस तरह परसीव करते हैं पब्लिक आई में, कि ये एक बहुत वेल एस्टैब्लिश, यानी आप बायोकेमिस्ट्री को देखें, एनाटॉमी को देखें, जेनेटिक्स को देखें, लिंग्विस्टिक्स को देखें, पेलियो एंथ्रोपोलॉजी को देखें, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स को देखें, तो ये जो सारी फील्ड्स हैं ये सारी आपको एविडेंस दे रही हैं कि डार्विनिज्म करेक्ट है। एक्चुअली द ऑपोजिट ट्रू है कि डार्विनिज्म इज द ओनली गेम इन टाउन इफ देयर इज नो गॉड। यानी नेचुरलिस्टिक इवोल्यूशन आप उसको चेंज कर दें, डार्विनिज्म से स्लाइटली चेंज कर दें किसी और मॉडल के अंदर, मगर वही बात ट्रू है। ठीक है, तो मसला ये है कि इन लोगों ने उस असम्पशन को लोगों के सामने नहीं लाया, क्योंकि
रिसेंटली मैं आपको आपके व्यूअर्स को रेफर करता हूँ कि मैंने केसी लस्किन, एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन प्रोपोनेंट है, साइंसदान है जी जी. और लॉयर भी है, उसने इसके बारे में हमने बात की थी कि इन्होंने साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर भी और स्कूल्स के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि कोई भी चीज़ जो गॉड की तरफ रेफर करती है उसको ये रिजेक्ट करते हैं. और रिचर्ड लुइंटन को यानी रेफरेंस किया था केसी लस्किन ने उस लेक्चर के अंदर, उस टॉक के अंदर जो मैंने थोड़े दिन पहले की थी. और रिचर्ड लुइंटन एक हार्वर्ड बायोलॉजिस्ट है, वही बेसिकली ये कहता है कि हम साइंस को यानी मटेरियलिस्टिक लेंस से देखते हैं और कोई भी चीज़ जो सुपरनैचुरल हो उसको हम ए प्रायोराई यानी बिफोर एविडेंस हम उसको रिजेक्ट करते हैं. और यही बात यानी और साइंसदानों ने भी इसके बारे में यानी बात की है, बायोलॉजिस्ट ने बात की है. तो रियल मसला ये नहीं है कि दुनिया के अंदर साइंटिफिक एविडेंस इल्हाद की तरफ लोगों को लेके जा रही है. एक्चुअली बात ये है कि इल्हाद की असम्पशन साइंस की गाइस के अंदर लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है, स्मगलिंग हो रही है. क्योंकि इस बात पे मैं बहुत फोकस करना चाहता हूं कि फिलिप जॉनसन ने इसके बारे में बात की थी. वो एक बहुत फेमस अमेरिकन लॉयर था जिसने इंटेलिजेंट डिजाइन पे काम किया. उसने ये बात की कि रियल इशू है थियज्म एंड नेचुरलिज्म, यानी खुदा व इल्हाद इसका रियल इशू है. क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करें कि इल्हाद ट्रू है तो फिर आपको जो भी बात करे आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन के बारे में या मूसा अलैहिस्सलाम के मिरेकल्स के बारे में या ईसा अलैहिस्सलाम का वर्जिन बर्थ के बारे में या पार्टिंग ऑफ द सी या यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मिरेकल्स हैं, जो वो गए थे यानी अलक्सा गए थे वापस आए थे, ये इन सारी चीज़ों को आप रिजेक्ट कर देंगे अगर आप इल्हाद को एक्सेप्ट करते हैं. अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि एक क्रिएटर है तो आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम एक स्पेशल क्रिएशन है और यानी उनसे पहले कोई होमो इरेक्टस था या जो भी था. और आप एक्सेप्ट कर सकते हैं वर्जिन बर्थ, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द ओशन. और आप ये भी एक्सेप्ट करते हैं हाइपोथेटिकली कि जो भी साइंटिफिक डेटा है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं एज फेस वैल्यू, मगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि गॉड इज़ द ऑथर बिहाइंड एवरीथिंग जो भी हमें नज़र आता है. ठीक है, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले बेथलेहम जाएं, अगर टाइम मशीन के अंदर साइंसदान आजकल वो बेथलेहम जाएं और वहाँ पे पूरा जो गांव है वो फ्रीज किया हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम फ्रीज किए हुए हैं, मरियम अलैहिस्सलाम फ्रीज की हुई हैं, सारे लोग फ्रीज किए हुए हैं, और इन साइंसदानों को पता नहीं है, ये टाइम मशीन से आए इन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग कौन है. वो ईसा अलैहिस्सलाम का डीएनए निकाल के कहेंगे कि अच्छा अब हम इस बंदे का जीनियोलॉजी निकालते हैं. तो फिर वो पूरे गांव के अंदर जाके लोगों का डीएनए सीक्वेंस निकालेंगे, फिर वो होमोलॉजीज़ को देखेंगे क्या चीज़ सिमिलर है क्या नहीं है, फिर वो कहेंगे कि ये जो औरत है जिसको हम मानते हैं मरियम अलैहिस्सलाम, वो कहेंगे ये इसकी माँ है, और किसी और मर्द को ढूंढेंगे जो मरियम अलैहिस्सलाम की फैमिली में से है, वो कहेंगे ये इसका बाप है. मगर हमें पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं, मगर जो साइंटिफिक डेटा है वो आपको मिसलीड कर रहा है क्योंकि उन साइंसदानों का बिलीफ नहीं है मिरेकल्स के अंदर, मगर वो होमोलॉजी को सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो यही चीज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ आजकल हो रही है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनका मसला नहीं है, इनका मसला साइंस नहीं है, इनका मसला रियल मसला है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिरेकल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. और कॉन्सेप्ट ऑफ मिरेकल्स को इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि ये गॉड को एक्सेप्ट नहीं करते. तो फिलिप जॉनसन ने यही कहा कि अगर आप गॉड को एक्सेप्ट करते हैं और गॉड को नहीं एक्सेप्ट करते, आपके टू डिफरेंट लेंसेज हैं, जिस तरह आपके रेड ग्लासेज हैं या ग्रीन ग्लासेज हैं, आपकी पूरी दुनिया डिफरेंट नज़र आती है आपको और पूरा साइंटिफिक एंटरप्राइज डिफरेंट नज़र आता है. तो रियल मसला ये नहीं है कि साइंस आपको इल्हाद की तरफ लेके जा रहा है, रियल मसला है कि इल्हाद को उन्होंने पहले से प्रज्यूम किया हुआ है
और उसको बाद में हमें कंक्लूजन के तौर पे देते हैं, और ये तो एक्चुअली सर्कुलर रीजनिंग है कि आपने कंक्लूजन को एक असम्पशन में डाला हुआ है। उसी को अपना आर्गुमेंट बना लिया है। देखिए, मैं कुछ दिन पहले सबूर भाई, मैं एक शेर है अलामा इकबाल का, वो देख रहा था। पता नहीं उर्दू शायरी से आपको आप शौक रखते हैं या नहीं रखते। हमारे एक उस्ताद हैं अदनान रशीद, वो बहुत हमें इस चीज के बताते बारे में बताते रहते हैं। क्या पता आपने उनके कोई रहते लेक्चर, तो आई बहुत थिंक मैंने इंस्पिरेशन। जी। अच्छा, वो इकबाल कहते हैं कि वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। यानी कि इसको मैं बचपन से ये समझता रहा कि ये नमाज की एडवोकेसी है कि तुम अल्लाह के सामने नहीं झुकोगे तो जगह जगह तुम्हें झुकना पड़ेगा। बट देन द अदर डे इट स्ट्रक मी कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है। जस्ट थिंक ऑफ एथीइज्म फॉर अ मिनट, कि हमारे लिए केस क्लोज हो जाता है इन अल्लाह वाला कुल्ले शैइन कदीर पे, कि हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वी डोंट कॉल इट गोर ऑफ गैप्स, वी कॉल इट लॉजिकल डिडक्शन, कि हम लॉजिकली चीज़ों को डिडक्ट करते हैं। वी लुक एट, यू नो, वी एक्सप्लोर द टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, वी एक्सप्लोर द ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कंट्री एंड मॉरलिज्म, हर चीज़, इंसानी कॉन्शंस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम एक्सप्लोर करने के बाद हम कहते हैं कि येस, वी डोंट क्लेम टू बी समवन स्पेशल। हमारा कुरान शुरू यहाँ से होता है कि इस किताब में कोई शक नहीं है जो हिदायत देती है उन लोगों को जो अनदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। वी आर हम्बल, वी एक्सपीरियंस ह्यूमिलिटी कि भाई हमें हर चीज़ का नहीं पता, लेकिन जिसका नहीं पता हम उस पर उछलते कूदते नहीं, हम कहते हैं कि नहीं पता। लेकिन जो एथियस्ट्स हैं वो एक खुदा को ना मान के, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फ्रांसिस क्रिक्स फॉर एग्जांपल, जब अर्ली 50s में जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का वो सामने आ गया, उसने डिस्कवर किया, अब वो एथियस्ट भी है, खुदा को मानता भी नहीं है। तो खुदा को ना मानने के बाद उसे क्या करना पड़ा? उसको जो हाइपोथेसिस ऑफ डायरेक्टेड पैंसपेरमिया, उसको दोबारा से रीग्राइट करना पड़ा है, कहीं से और से आ गया ये। वो एक खुदा को मान लो, जान छूट जाती है। ऐसे ही सेल के अंदर पूरा, जहाँ ये जो मौजजात की बात है, मेरा व्यू ये है कि जो मौजजे हैं या मिरेकल्स हैं ये एथियस्ट भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ उस पर बात नहीं कर सकते। द वे आई अंडरस्टैंड इट एंड पुट इट, के अगर आप ये समझते हैं कि डीएनए जो है वो प्रिसाइस, अब उसके जो जो चार उसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं ए टी सी एन जी, वो उसमें से प्रिसाइस डेटा कॉपी आरएनए में करता है, और आरएनए उसको वेरीफाई करने के बाद राइबोसोम में लेके जाता है, जिससे नए प्रोटीन्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं। इफ़ यू थिंक दैट इज़ ऑल अनगाइडेड, तो फिर ये एक मेरेकल है, देर इज़ नो अदर वर्ड फॉर इट, राइट? तो मेरिकल को वो मानते हैं, ज़िंदगी कैसे आ गई, और उसकी एक्सप्लेनेशन वो मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट, विच जो डिसक्रेडिटेड हो चुका है, खुद मिलर ने 1983 में दोबारा किया, लेकिन कोई साइंस की टेक्स्ट बुक ये बात नहीं बताएगी। वो वही बताएंगे जो 1953 में किया था, वो जो फेल हो गया था। तो द पॉइंट इज़ कि अगर ये खुदा को मान ले तो बात आसान हो जाती है, लेकिन ना मानने के बाद फिर वो जो इल्लत व मालूर और कोज एंड इफेक्ट का सिलसिला शुरू करते करते जब पता चलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, देर इज़ वेन दे टेक अनदर टर्न विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दे क्रिएट ए डिस्क्रिप्शन एंड दे कॉल इट एक्सप्लेनेशन। हालांकि डिस्क्रिप्शन एक और चीज़ है, एक्सप्लेनेशन एक और चीज़ होती है। यानी चांद कैसे, उसकी रोटेशन है, आई कैन डिस्क्राइब दैट, बट दैट डिस्क्रिप्शन कैन नेवर गिव मी द रिजल्ट कि खुदा का वजूद नहीं है। कायनात का निज़ाम कैसे चल रहा है, आई कैन डिस्क्राइब दैट, पर आई कैन नेवर डिड्यूस फ्रॉम इट कि खुदा का वजूद नहीं है। और फिर ये सारे ये एक बड़ी अजीब बात जो करते हैं कि यार सारी दुनिया के साइंटिस्ट जो कहते हैं, माई क्वेश्चन इज कि सारी दुनिया के साइंटिस्ट अगर इकट्ठे हो के एक इकोनॉमी का मॉडल बनाए और किसी गवर्नमेंट के पास जाएं कि और कहें कि आप अपनी इकोनॉमी को इस तरह से रन करें, तो वो क्या कहेंगे? भाई आप साइंटिस्ट साइंटिस्ट बाय दिस मीन्स आई मीन बायोलॉजिस्ट या जो फिजिसिस्ट हैं, तो कहेंगे भाई आपका क्या ताल्लुक है इकोनॉमी से, आप अपना काम करें। पर सम हाउ ये समझते हैं कि थियोलॉजी पे भी इनका इतना राइट है कि बता, ये इनकी ये देख के कि चांद इस तरह से रोटेट कर रहा है, दे कैन एक्चुअली थिंक, आई मीन दे थिंक दैट दे आर एबल इनफ टू से कि नहीं, खुदा का वजूद नहीं है। अगर आप इकोनॉमी का मॉडल आपका कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लीगल मॉडल आप बनाए उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी आप एथिकल मॉडल बनाए उसे पसंद नहीं करेगा, इसलिए कि वो आपकी फील्ड नहीं है, तो खुदा पे आप एक्सपर्ट कैसे हो जाते हैं? इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग। देखें, आपने बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल दिया कि पूरी दुनिया के साइंसदान हमें अगर इकोनॉमिक्स या लॉ या मोरालिटी के बारे में बात बताएं तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ये कैटेगरी मिस्टेक है एक। मगर श्योर, हमें एक और चीज़ पे सोचना चाहिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है कि देखो इतने ज़्यादा ये साइंसदान हैं दुनिया में और ये मुल्हिद हैं, और हम अगर ग्रांट करें कि मेजॉरिटी मुल्हिद हैं, तो वो हमें कहना क्या चाह रहे हैं? वो हमें बेसिकली कहना चाह रहे हैं, कैसर भाई, प्लीज बिकम अ शीप। दीज आर पीपल, एक्सैक्टली दे इन लोगों ने तुम्हारे बिहाफ पे सोच लिया,
यानी तुम अपनी अकल ना इस्तेमाल करो। इन्होंने, इन गोरों ने, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं ना साइंसदान, इनका मतलब एक्चुअली होता है वेस्ट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। इनका मतलब लैटिन अमेरिका नहीं है, अफ्रीका नहीं है, चाइना नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, ठीक है? इनका मतलब है ये। और रियलिटी में इन लोगों का जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं उनको आप लिंक कर सकते हैं उनके मटेरियल वेल्थ के साथ, और वो मटेरियल वेल्थ इन्होंने कॉलोनाइजेशन से लिए। इन चीज़ों को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इनकी बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि फॉलो द वाइट मैन, इनकी बेसिक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? ये एक टाइप ऑफ गोरा कोटना। हाँ बिल्कुल। मगर हम इस आर्ग्यूमेंट को भी ना हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली ये फॉल्स आर्ग्यूमेंट है, मगर हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा खेलना चाहिए इसके साथ। अच्छा, तो तुम लोग ये कह रहे हो कि आजकल जो साइंसदान है, यानी वेस्ट के अंदर जो साइंसदान है, जो 90-95 पता नहीं क्या लोग कहते हैं कि परसेंट एग्नोस्टिक हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एग्नोस्टिक और एथियस्ट को एक ही कैंप के अंदर डाल देते हैं, जब कभी कभार इसके बारे में, कभी कभार नहीं, इसको जनरली अगर आप देखें तो ये भी एक फलेशियस थिंकिंग है, क्योंकि एग्नोस्टिक्स कभी कभार डीएस्ट होते हैं, मानते हैं किसी पावर को वगैरह। मगर चलो, खेलने के लिए हम कहते हैं चलो ठीक है, 90% ये लोग जो हैं मुल्हिद हैं, स्ट्रॉन्ग मुल्हिद हैं, हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं। चलो ये लोग मुल्हिद हैं, और तुम लोग ये कह रहे हो कि हमको सोचना नहीं चाहिए, हमको इन लोगों की सोच को ट्रस्ट करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, हम खेलते हैं इसके बारे में। तो आजकल अगर 90% मुल्हिद हैं और हमको फॉलो करना चाहिए इन लोगों को ब्लाइंडली, क्योंकि साइंसदान जो हैं वो किसी किस्म के खुदा हैं, ठीक है? मगर तुम तो सिर्फ 2021 की बात कर रहे हो। अगर हम साइंस की हिस्ट्री देखें इबिन हेतम से आज तक, जो आप 14 सॉरी ओवर 1,000 ईयर्स हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर पहले जो साइंसदान थे वो मुसलमान थे, लेटर ऑन ईसाई थे, और 19 सेंचुरी के अंदर ये इल्हाद और सेक्युलरिज्म, नहीं 19 नहीं सॉरी 20th सेंचुरी के अर्ली बिगिनिंग के अंदर ये चीज़ हमें फैलना शुरू हुई एकेडेमिया के अंदर, इल्हाद वगैरह। तो उस कैटेगराइजेशन से परसेंटेज वाइज 90% मुल्हिद नहीं है। आप कह सकते हैं 99% एक्चुअली, हम परसेंटेज वाइज अगर देखें तो क्या हैं, वो किसी किस्म के थियस्ट हैं। तो अगर तुम्हारी आर्ग्यूमेंट, जिसको हम कह सकते हैं शीप आर्ग्यूमेंट, के शीप एग्जैक्टली जिस तरह एक दूसरे को फॉलो करते हैं ना, तो तुम्हारी आर्ग्यूमेंट को अगर हम एक्सेप्ट करें, तो तुमने एक लिमिटेड डेटा 2021 इस्तेमाल किया, हमने पूरा 1,000 साल इस्तेमाल किया, तो हम सारों को थियस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर यस आर्ग्यूमेंट। एग्जैक्टली और कुछ इवन 1,000 साल वाली एग्जांपल जो बड़ी एप्ट है, सिर्फ 150 साल पीछे चले जाएं, वो डार्विन भी तो फ्रिंज ही था ना, वो कोई पैदाइशी मेन स्ट्रीम तो नहीं था. डार्विन इफ दैट मुल्हिद वर नहीं दी था कभी। आर्ग्यूमेंट, यू नो, इफ दैट वर दी आर्ग्यूमेंट, देन उसकी भी उसको भी बातें नहीं माननी चाहिए थी. और खुद खुद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कभी भी मुल्हिद नहीं था। दैट्स वेरी ट्रू, इसके बारे वेरी में ट्रू. बहुत लोग कंफ्यूज ने उसकी, अगर आप किताब देख लें, आप एक हिस्ट्री ऑफ यानी हिस्ट्री ऑफ बाल हिस्ट्री ऑफ डार्विनियन थॉट में देखें, पीटर बाउलर एक हिस्टोरियन है, माइकल रूस फिलोसोफर है, मगर वो हिस्ट्री के अंदर भी जाता है। इन लोगों को अगर आप जाके पढ़ें, आप देखें, और डार्विन की बायोग्राफी देखें, उसने डिनाई किया था कि वो मुल्हिद है। वो एग्नोस्टिक बन गया था, उससे पहले वो खुदा में बिलीव करता था, डीएस था। उसने जब किताब अपनी पब्लिश की 1859 में, उस वक्त वो भी खुदा में बिलीव करता था। तो इल्हाद और इवोल्यूशन को, यानी इनकी जो शादी इन्होंने की हुई है, ये इनवैलिड है। ये यानी दैट्स वेरी तेल और ट्रू, पानी को मिक्स करने वाली बात है। और वेरी ट्रू. और ये भी पब्लिक लेवल पे है, मतलब जो एक एकेडमिक लेवल पे जाएं तो वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता. मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि मैंने एक एडवांस कोर्स किया जेनेटिक्स का ड्यूक यूनिवर्सिटी से. तो वो बेसिकली जेनेटिक्स और इवोल्यूशन दोनों को कवर करता है. तो जो हमारे लेक्चरर थे ही वॉज कम्प्लीटली इन डिफरेंट. हम आपको बता सकते हैं कि हाउ दिस वर्क्स. इफ यू थिंक इसके पीछे खुदा है, वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट. यानी कि वो
वो कोई नॉलेज क्लेम नहीं है। तो प्रॉब्लम एथीज़म के साथ ये है कि वो नॉलेज क्लेम करने के बाद कहते हैं कि नहीं भाई आप जो कह रहे हैं हमारा ये क्लेम है लेकिन आप इसे गलत साबित करें। लेकिन डार्विन की आपने एक बात की, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एम आई राइट टू रीड के डार्विन को डार्विनिज्म में थोड़ा सा आप डिसाउन करना शुरू हो गए हैं? मैं एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दे दूँ अगर, कि जैसे ये पॉइंट आउट किया गंटर बेकली ने किया, या मैं माफ़ी चाहूँगा मेरे जहन से नाम स्लिप हो गया उनका, नहीं गंटर नहीं थे कोई और था, कि जैसे डार्विनियन मेडिसिन थी उसको अब इवोल्यूशनरी मेडिसिन का नाम दिया जाने लगा इसलिए कि डार्विनिज्म इज़ प्रोग्रेसिवली बिकमिंग अनटेनेबल, बड़ा मुश्किल हो रहा है उसको डिफेंड करना। ऐसे ही बहुत से डिस्कोर्सेज में आपको मिलेगा उन्हें डार्विन अब रेलिवेंट नहीं है यार, वो तो 150 साल पुरानी बात है। Am I being disillusioned here? या आपकी भी कुछ ऐसी रीडिंग है कि डार्विन को एक्चुअली प्रोग्रेसिव इन लोगों ने डिसऑन करना शुरू कर दिया है? इनके बहुत कैंप्स हैं, इनके बहुत फिक्के हैं यानी सेक्ट्स हैं, और डार्विन को डेफिनेटली एक किस्म का उन्होंने यानी डार्विनिज्म को यानी जो उसके कोर आइडियाज़ हैं जो जिस तरह नेचुरल सिलेक्शन और जो सेक्सुअल सिलेक्शन ये जो आइडियाज़ हैं और ये बीइंग मेन मैकेनिज्म, तो ये आपको कोई साइंसदानों में नज़र आता है कि वो एक्चुअली इस डार्विन को थोड़ा साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ डार्विनिज्म को नहीं, नियो डार्विनिज्म जो यानी मॉडर्न सिंथेसिस कभी कभार उसको इस पे रेफरेंस करते हैं, इस नाम से रेफरेंस करते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली चीज़ नज़र आती है। अब एक और बात ये है कि जब डार्विनिज्म के क्लियर कट प्रेडिक्शंस फॉल्स नज़र आते हैं आपको, तो वो डार्विनिज्म को एक्चुअली नहीं कहते कि डार्विनिज्म रॉन्ग, वो उसी प्रडिक्शंस को रिवर्स इंजीनियर एड हॉक रैशनलाइजेशन के थ्रू वापस थ्योरी के अंदर डाल देते हैं। तो डार्विन ने कहा कि उसकी जो थ्योरी है वो एब्सोल्युटली विल ब्रेक डाउन इफ इवोल्यूशन इज नॉट ग्रेजुअल, स्लो स्टेडी ग्रेजुअल। तो उसका जो दोस्त था थॉमस हेनरी हक्सली, उसने डार्विन को कहा कि ये जो चीज़ है तुम अपनी किताब से निकालो क्योंकि ये तुम्हारी थ्योरी को एट रिस्क डालेगा। तो डार्विन ने कहा कि आई विल नॉट टेक इट आउट, आई पैराफ्रेज कर रहा हूँ उसको, आई विल नॉट टेक इट आउट बिकॉज इट माय थ्योरी डजंट वर्क विदाउट दिस ग्रेजुअलिज्म। तो ग्रेजुअलिज्म एक फाउंडेशनल असम्पशन है डार्विनियन थ्योरी के अंदर। और 1970s में स्टीवन जे गोल्ड एक पेलियंटोलॉजिस्ट था हार्वर्ड में, पेलियंटोलॉजिस्ट जो फॉसिल रिकॉर्ड को देखते होंगे, तो उसने ये लिखा, बड़ी इंटरेस्टिंग उसने बात लिखी कि अ लैक ऑफ ग्रेजुअलिज्म इन द फॉसिल रिकॉर्ड इज द ट्रेड सीक्रेट ऑफ पेलियंटोलॉजी। यानी उसने कहा कि ये हमारे यानी कारोबार के अंदर ये हिडन चीज है कि ग्रेजुअलिज्म हमें नहीं नजर आती। और उसकी बात बड़ी कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि वो डार्विनिज्म को एक नेगेटिव लाइट में यानी लोगों को दिखा रहा था कि ये बहुत सालों से, बहुत डेकेड से पेलियंटोलॉजिस्ट इसके बारे में बात नहीं कर रहे, मगर जो फॉसिल डेटा है वो डार्विन की थ्योरी को फिट नहीं कर रहा। तो बाद में उसने एक थ्योरी बनाई, एक सब थ्योरी बनाई, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आपका स्टेसिस होता है, फिर यानी रैपिड इवोल्यूशनरी चेंज होता है, फिर स्टेसिस होता है। तो ये जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है, इसको पहले लोग चैलेंज कर रहे थे डार्विनिस्ट, अब डार्विनिस्ट इस तरह प्रटेंड करते हैं कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम हमेशा उनका संगी था, हमेशा उनकी प्रेडिक्शन थी। तो ये जो ब्रिटिश के अंदर एक है ना सेइंग कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, तो डार्विनिस्ट भी ये करते हैं, जब इनकी प्रेडिक्शन गलत होती है तो फिर ये कहते हैं कि चलो इस प्रेडिक्शन को लेके ना हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारी प्रेडिक्शन थी या हमारी इन्होंने ये किया है जेनेटिक कोड के साथ, ये किया है इन्होंने, ये किया है जंक डीएनए के साथ किया है, ओफिन डीएनए को ये फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज जो पहले फिट नहीं करती थी, पहले ये कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है, अब ये उसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं। और जो जनरल लोग हैं पब्लिक में, उनको तो ये चीजें कभी नजर नहीं आती।
तो उनको, उनके सामने तो बस ये थेरी है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है 1859 से 2021 तक, यानी जिस तरह गवर्नमेंट अपने बहुत एक अगर गवर्नमेंट है किसी कंट्री में, वो अपने आप को बहुत यूनिफाइड तरीके से दिखाते हैं ना कि हम एक, मगर इंटरनल हर गवर्नमेंट के अंदर एक इन फाइटिंग होती है, तो ये डार्विनिस्ट भी इसी किस्म के। एंड दैट्स वेरी ट्रू। और जो एक बड़ी रिमार्कबल बात है कि ये इस एतमाद के साथ ऑपरेट करते हैं, इट्स रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इनके आप उसकी एक तो एक जो बेसिक उस जो थीम है आप वो देखें कि मेरा एथीज़म से क्या प्रॉब्लम है। वेल, मेरा एथीज़म से ये प्रॉब्लम है कि दे वॉन्ट टू बी टेकन सीरियसली विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन टू डिबेट। जो मोस्ट प्रोफाउंड क्वेश्चन हैं हमारे इंसान के वजूद के हवाले से, राइट, कायनात के हवाले से, उनके लिए केस क्लोज्ड, हर चीज़ बेबकसद है, खुद बन गई, छोड़ बात खत्म करो। एंड देन दे वांट टू बी टेकन सीरियसली, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, और पूरे एतमाद के साथ कहते हैं नहीं आप हमें गलत साबित करें। भाई आप एक क्लेम करें, हम बात करेंगे, बट वाई डू यू थिंक कि आप कहें कि नहीं हम आपके इंटरोगेटर हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं। और ये, और जो सबसे उसमें रिमार्कबल बात है कि कायनात कैसे बनी, वी हैव सम थ्योरीज, ठीक है, हमारे पास बिग बैंग है जो कि आजकल थोड़ा सा ट्रबल में है, क्योंकि जो रैपिड एक्सपेंशन हो रही है कायनात की जिस तेज़ी के साथ, ठीक है, लेकिन फिर भी चले हमारे पास कोई एक सिचुएशन मौजूद है। और इंसान की ज़िंदगी कैसे बनी, वो वी डोंट नो, राइट, हमारे पास कुछ है कि प्राइमोडियल अर्थ में किस तरह से गैसेस के मरकब थे और बिजली हुई दिस तरह, बट अगेन वी डोंट नो। अच्छा, कायनात क्यों बनी, वो वी डोंट नो। सो यू आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड इनवेरिएबली जो आप उसका यही होगा कि आइदर वी डोंट नो, और हमें पता तो है लेकिन हम कन्फर्म उस पर नहीं हैं। दैट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग टू मी एट ऑल, इसलिए कि किसी चीज़ के बारे में ना जानना कोई बुरी बात नहीं होती है। बट वट इज़ इंटरेस्टिंग कि बेस्ड ऑन दिस ह्यूज गल्फ ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, दे आर एब्सोल्युटली श्योर कि आप गलत हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता आप गलत हैं। डेफिनेटली कैसर भाई, आपने बहुत यानी यू स्ट्रक अ कोड। एक मेरे, मुझे याद आ रही है कि मेरा दोस्त है डॉक्टर फरीद खान, वो अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाएं आपको उसका लेक्चर भी नज़र आएगा। तो वो एक्चुअली कैम्ब्रिज के अंदर एक रिसर्च एसोसिएट हैं, उन्होंने PhD भी अपनी बायोलॉजी में DNA में की थी उन्होंने कैम्ब्रिज से। तो उनसे मेरी एक दफ़ा बात हो रही थी इसके बारे में, जो बिल्कुल आपने बात की है कि ये लिमिटेड डेटा से इस तरह प्रटेंड करते हैं इन्होंने, यानी पूरी लाइफ का मीनिंग और लाइफ का पर्पस और हर चीज़ वर्कआउट कर दिया। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि हमारी बॉडी ऑब्वियसली इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के अंदर एक प्रोसेस होता है फोल्डिंग का। तो वो कहते हैं कि आज हमारे सामने कोई प्रोटीन्स जो फोल्ड होती हैं, वो हमारे सामने जो प्रोसेस है, जो मैकेनिक्स हैं जिसके थ्रू ये फोल्डिंग होती है, हम उसको पूरी तरह कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ, मगर हमारे सामने ये चीज़ हो रही है और इसके बारे में हम सर्टन नहीं हैं। मगर जो चीज़ बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी यूनिवर्स का क्रिएशन के बारे में, तो साइंसदान उस बात के बारे में किस तरह सर्टनटी से बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक फरमाया। और उसमें इवन जो हम अगर बायोकेमिस्ट्री की ही बात करें, कॉस्मोलॉजी पे ना जाएं, कि ये जो आइडिया है कि जो फर्स्ट रेप्लिकेटिंग सेल जो है उसका भी जो प्री स्टेज है उसमें के सम हाउ जो हमारा RNA पहला बना उसने प्रोटीन की शेप में खुद को फोल्ड कर लिया। वेयर एज द ट्रूथ इज़ कि आज भी एक सेल के अंदर जब एक जब जो जो प्रोटीन जो बनता है तो उस प्रोटीन के बनने के लिए ही कई प्रोटीन चाहिए होते हैं। यस, दैट इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ इट। तो बगैर किसी प्रोटीन के उसने सारा कुछ कर, इट्स वही बात के हज़ार सजदे से याद मैं मान लो तो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन नहीं मानोगे तो फिर एक चीज़ और दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़। एंड वट रियली डिस्टर्ब्स मी इज़ के हम इस कदर अवामी खबरें जो हैं, जो पब्लिक न्यूज़ है उस पे जाते हैं,
कोई रिसर्च, और अगेन जैसे मैंने आगे कहा कि आम आदमी करे तो कोई बात नहीं है। अभी रिसेंटली हूद भोए साहब, जो कि ठीक है, आई गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो चले बायोलॉजी नहीं पढ़ी, लेकिन फिर उन्हें लेक्चर भी नहीं देना चाहिए था, उन्होंने लाइव लेक्चर दिया। उस पर मैंने 3 एपिसोड मैंने रिव्यू वीडियो का मैंने किया कि इसमें क्या क्या गलतियाँ उन्होंने की। अब उसमें जैसे अभी आप बात कर रहे थे इसकी ऑर्फिन जीन्स की, अब उन्होंने एक पुराना आउट ऑफ डेट एक वो ट्री ऑफ लाइफ जो है फाइनोलॉजी पढ़ाते हुए बताया कि ये देखें जी इसमें है कौन सी चीज़ें जो इसमें नहीं है। अब उसमें क्या नहीं था? आरकेआ नहीं था, TRGs नहीं थे, एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग कि इसमें नहीं है वो। आपने इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। जी मैंने 3 एपिसोड्स हैं, मैं उसकी 2 एपिसोड्स मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, तीसरी मैं लगाने लगा हूँ। और मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट बता दिया कि कैसे उसे जो है वो बाद में हमारा काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड आई एक्चुअली थैंक हिम फॉर दैट कि जिस तरह से उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल सर्जियो अल्मेसिया की तरफ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में भी पढ़ाया उन्होंने, आई थिंक अभी भी पढ़ाते हैं लेकिन आई एम नॉट एंटायरली श्योर, अमेरिकन जो है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, वहाँ के सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं। जब होमिनिड रिवोल्यूशन की बात आती है तो ही एक्चुअली सेज कि इट्स ऑल मेस, वी डोंट नो। इतने ज़्यादा पैराडाइम्स हैं, हर साइंटिस्ट का अपना अपना पैराडाइम है, और साथ वो ये कहते हैं कि, और ये टेक्निकल पेपर पे उनका रिव्यू है, यानी क्या हम कोई अवामी खबर की बात नहीं कर रहे, बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहे, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू कैन गेट इन साइंटिफिक लिटरेचर, जो टेक्निकल पेपर है उसके रिव्यू में वो कहते हैं कि ये जो अपना अपना पैराडाइम है ना हमारे इवोल्यूशन में, ह्यूमन इवोल्यूशन में, ये साइंस की किसी और फील्ड में नज़र नहीं आता। आपकी राय में लेना चाहूँगा, लेकिन मैं डॉक्टर डेविड बर्लिंस्की को मैं ऐड कर दूँ, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एक्चुअली, जो कहते हैं कि क्या वजह है कि इवोल्यूशनिस्ट डार्विनिस्ट ये कहते हैं कि हमारी थ्योरी इतनी ही सॉलिड है जितनी कोई फिजिक्स की थ्योरी है, जबकि कोई फिजिक्स की थ्योरी वाला कभी भी नहीं कहता कि हमारी थ्योरी इतनी सॉलिड है जितना डार्विनिज्म है। इट्स नॉट राइट। तो वो यानी जो मैं आपको जो मैं इस पर ओपिनियन लेना चाहूँगा कि जो हाई क्लास एकेडेमिया है वहाँ पे तो कोई इस तरह की हमें प्रोक्लेमेशन नज़र नहीं आती हैं जो आम आवाम में इवन रिचर्ड डॉकिंस के लेवल पे नज़र आ जाती हैं, या और जो इस तरह के प्रोपोनेंट्स हैं उनके लेवल पे आ जाती हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक्चुअली इन लोगों ने, अगर इनकी थियोरी इतनी सॉलिड है तो उनको इतना ज़्यादा रीइन्फोर्समेंट, प्रोपेगेंडा और सोफिस्ट्री इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। मगर वो करते हैं, वो रेगुलरली करते हैं। अब देखें, मुझे अगर कोई पूछे व्हाट इज़ योर बिलीफ अबाउट डार्विनिज्म, मैं कहूँगा कि डार्विन्स थ्योरी इज़ अ वैलिड थ्योरी मॉडल पैराडाइम। मगर मैं ये ऐड करूँगा कि एक्चुअली इट्स द only game in town, the only possible, yani agar, kyunki in logon ne pehle se kiya hua hai na ki koi supernatural event ya creator ya koi cheez nahi hai, to phir ye sare data ko usi lens se dekhte hain, to obviously inki conclusion wahi hogi jo inki assumption mein hai ki this is naturalistic, unki assumption naturalistic hai, aur ये जब चीज़ आप पॉइंट आउट करते हैं तो उनकी जो सारी पावर है, जो जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी में से ये होमोलॉजी निकालते हैं और अपने ग्राफ्स निकालते हैं, उस सारे नैरेटिव की एनर्जी चले जाती है जब आप इन्हें बताते हैं कि एक्चुअली जेनेटिक्स से पहले और बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पहले, और यानी किसी भी यानी होमोलॉजस स्ट्रक्चर्स को आप मैक्रो लेवल पर देखें, माइक्रो लेवल पर देखें, All of this scientific data is useless because conclusion पहले से वही है। Exactly। Conclusion change नहीं होती। तो जब ये मेरी debate हुई थी Aaron Ross से, वो genetics की बात कर रहा था, मगर genetics से पहले भी और biochemistry से पहले भी इन लोगों ने पहले से ही human chimp ancestry को accept कर दिया था। इन लोगों से पहले ही इन्होंने abiogenesis को accept कर लिया था। Abiogenesis एक complete mess है, complete mess है। अब आजकल तो लोग मोबाइल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मगर आप पाकिस्तान में देखें तो ये साइट पे जो टेलीकम्युनिकेशन के बॉक्सेस हैं ना, उनको अगर आप खोलें तो
इतनी डिफरेंट किस्म की तारें होती हैं और हर चीज़ इंटरमिंगल्ड होती है, और यानी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। इन लोगों की एपिस्टेमोलॉजी, इन लोगों का नॉलेज का जो स्ट्रक्चर है, कैटेगराइजेशन है, वो इसी किस्म का मडल है। यानी कंप्लीट कंफ्यूजन के अंदर ये लोग हैं। तो अक्सर हमें ये करना पड़ता है कि हमें ये नहीं करना पड़ता कि हमें डार्विनिज्म को रिफ्यूट करना है, या डार्विनिज्म को एक और थ्योरी से रिप्लेस करना है, या हमने उनके जो साइंटिफिक एविडेंस है उस पे बात करनी है। हमने सिर्फ ये कहना है कि आपके प्रीसपोजिशंस और आपकी कंक्लूजन एक ही हैं, और आपका जो इंटायर पैराडाइम है वो एक फिलॉसफी पे बेस्ड है, और उस फिलॉसफी के बारे में हमें डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी में ये साइंस और स्यूडो साइंस, यानी जिसको वो कहते हैं रिलीजन, उसके बारे में बैटल नहीं है। ये आदम अलैहि सलाम वर्सेस किसी होमो इरेक्टस की, यानी कंपैरिजन की बात नहीं है। रियल इश्यू है द बिलीफ इन गॉड एंड द बिलीफ इन नेचर अलोन, नेचुरलिज्म एंड गॉड, ये मेन बैटल ग्राउंड है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आपको प्रॉब्लम का जड़ नहीं पता ना, तो आप बहुत सा टाइम वेस्ट करेंगे। ये आप लाइफ कोच हैं, आपको तो ये पता है कि लोगों के साइकोलॉजिकल मसले होते हैं उनकी हिस्ट्री में, या कोई ट्रिगर्स होते हैं, या एंग्जाइटीज़ या फोबियाज़ या एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई जड़ होता है। मगर अक्सर इन इवोल्यूशन डिबेट्स के बारे में जब हमारे डिस्कशंस होते हैं, तो हम उस जड़ को हाईलाइट नहीं करते, और रियल इश्यू है थियज़म एंड एथियज़म का, बाकी सारा यानी आफ्टर स्टोरी है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने एक और भी आपने जाना, मैं जल्दी से एंड में दो आपसे मैं क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा। थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन, न्यू गाय ऑन द ब्लॉक बट डूइंग ट्रेमेंडसली वेल, इज ना? जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो इस थर्ड वे ऑफ इवोल्यूशन, बेसिकली वो लोग जो ऑब्वियसली क्रिएशनिज्म या इंटेलिजेंट डिज़ाइन से दूर रहते हैं, मगर वो ट्रेडिशनल नियो डार्विनिज्म से भी दूर रहना चाहते हैं। और इन लोगों का मेन मसला है कि एकेडीमिया के अंदर इतनी आइडियोलॉजिकल ऑक्सीजन की कमी है कि एक्चुअली आप अपने व्यूज़ को ओपनली प्रोपेगेट नहीं कर सकते अगर आपके व्यूज़ एंटी डार्विन है, सॉरी एंटी डार्विनिज्म है। तो जेम्स शपिरो, मासुताशी नाय, लिन मार्गुलिस, यानी बहुत से लोग बहुत सालों से इसके बारे में बात कर रहे थे, मगर अब थर्ड वे ऑफ इवोल्यूशन वो बेसिकली नियो डार्विनिज्म को चैलेंज करना चाहते हैं, और इन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ। तो ये इनकी वेबसाइट भी है, आप जाके देख सकते हैं इनका काम। जी, बिल्कुल। और आई थिंक दैट उनकी जो एक एक क्वेश्चन है, आई मीन डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे अपने बिलीव्स हैं, आई डोंट एग्री विद थर्ड वे रिवॉल्यूशन आइदर, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो फिलोसॉफिकल वो बड़े अच्छे हैं, जिसके हम शुरू में बात कर रहे थे कि अगर आपने हर चीज़ का जवाब नेचुरल सिलेक्शन में ही रखा हुआ है। हमारे वो एक बचपन में एक कहानी होती थी, एक कैरेक्टर होता था उमरू अयार, और उसकी एक जम्बील, एक 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 सैशल उसकी होती थी, एक एक सोर ऑफ क्या उसे कहते हैं, सॉरी हाउ डू एक्सप्लेन दैट, काइंड ऑफ अ कपड़े का एक बैग उसके पास होता था। तो वो उसमें से हर चीज़ निकाल, जो भी चीज़ उसे उसे चाहिए होती थी ना, वो निकाल लेता था। एंड जब मैं कहता ना जो भी चीज़, तो जबूर भाई जस्ट इमेजिन, उसे शहर निकालना होता था, पूरा एक सिटी, फंक्शनिंग सिटी, वो भी निकाल सकता था उससे, घर, खाना पीना, एनी थिंग, जो भी उसको चाहिए होता था। इट्स बेस्ट बिट लाइक वन ऑफ दोज पेंगुइन कैरेक्टर्स, कौन सा जिसको पेट में से हर चीज़ निकाल लेता है। तो यू नो देव मेड नेचुरल सिलेक्शन वेरी मच अकिन टू दैट, कि जो चीज़ नहीं समझ आती, जैसे हाँ नेचुरल सिलेक्शन, बस बात उसको वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो दिस इज़ अ डीपली डिस्टर्बिंग थिंग। और जो आपने जो आगे जो दो एक बातें कही हैं, मैं आपकी बात में एक दो चीज़ें मैं ऐड कर लूँ आपकी इजाज़त से। बर्लिंस्की भी यही कहते हैं कि 1980s से एक अग्रेसिव टोन स्टार्ट हुई है साइंटिफिक कम्युनिटी में, और वो कहते हैं कि अगर आप खुदा को मानते हैं और साइंटिस्ट हैं, तो साइंसदानों के दौरान दरमियान काम करते हुए प्लीज़ डोंट मेंशन योर रिलीजन, ये लोग बड़े हॉस्टाइल बिल्कुल हैं। बिल्कुल स्टीवन मायर ने भी कई लोगों को पॉइंट आउट किया, गंटर बेकली का मैं आगे हवाला दे रहा था, कि ये वो पैलिंटोलॉजिस्ट है जर्मन के, इसके नाम पर कई चीज़ें जो जो दरियाफ्त हुई हैं, दे वर नेम्ड आफ्टर हिज नेम, एक्चुअली इतना रिगार्ड था। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा कि इट लुक्स ओल्ड डिज़ाइंड, सारी उसकी जो इन्विटेशंस थी म्यूज़ियम से सारी वो कैंसिल हो गई, जॉब ख़त्म, जो इन लोगों ने
रजिस्ट्रर्न बर्ग के साथ किया, किस तरह से उस आदमी को डिमीन करके, मलाइन करके उसको निकाला उसके काम से, हालांकि वो क्या था, एक जर्नलिस्ट है, साइंस का जर्नलिस्ट है, उसके पास एक पेपर आता है, वो पेयर रिव्यू के बाद उसको पब्लिश करता है, तो उसका यही तो जॉब है उसका। लेकिन द वेरी फैक्ट कि उस एक आर्टिकल में जो इंक्लिनेशन थी वो टूवर्ड्स इंटेलिजेंट डिज़ाइन की थी, तो उसको भी बिल्कुल एकदम से जैसे माफिया ऑपरेट करता है उसको बिल्कुल उसमें से फारिग कर दिया। और एक एक आखिरी चीज़ जो कि बहुत अजीब भी है, डिस्टर्बिंग भी है, कि टेक्सस में और अमेरिका में और भी कई जगहों पे ये एक्चुअल लीगल केसेस हैं कि जो एविडेंस इवोल्यूशन, डार्विनियन इवोल्यूशन के ख़िलाफ़ है, क्या स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। व्हाई डज इट हैव टू गो टू कोर्ट, अगर साइंस ऑब्जेक्टिव है, इनडिफरेंट है, वो उसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, साइंसदानों का कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, तो बात ख़त्म। के बताएं भाई ये हमारा ख्याल है, ये इसके हक में एविडेंस है, ये इसके खिलाफ है, बात ख़त्म हो जाती है। बट देर एक्चुअली हैज़ टू गो टू कोर्ट, और कई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन वाले स्टीवन मायर वगैरह, इनका यही तो मसला है कि भाई हम नहीं कहते कि आपकी इवोल्यूशन गलत है, हम नहीं कहते कि नहीं आप कहें कहें कि सारा कोई खुदा ने बनाया है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो इसके खिलाफ एविडेंस है कम से कम वो भी आप टेक्स्ट बुक में शामिल करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कैसर भाई, और एक्चुअली इसको आपने शुरू में ये बात की कि नेचुरल सिलेक्शन को उन्होंने एक बहुत क्रिएटिव, आपने बड़ी कलरफुल एनालॉजी दी कि वो रक्सैक लेके कोई फिर रहा है और आप सिटी बार निकले लेके आएँ या कप लेके आएँ या कंप्यूटर लेके आएँ, आईपैड लेके आएँ, तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को एक ब्लाइंड वॉच मेकर, एक क्रिएटिव फोर्स के तौर पे इन्होंने इसको लेबल किया है। और अक्सर आपको ये बात नज़र आती है कि जब आप बात करते हैं कि ये चीज़ किस तरह आई, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, जिस तरह उसको डीएफआई किया हुआ है उन्होंने, उसको एक खुदा बनाया हुआ है। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको अगेन सेक्युलर मुलहिद इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मिलते हैं जो एक्चुअली यानी लोअर रैंकिंग के नहीं है, यानी द क्रीम ऑफ द क्रॉप, वो इस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं, वो एक्चुअली तो अपोजिट कहते हैं। लिन मार्गुलिस एक फेमस साइंसदान थी, वो भी थोड़े से पहले फोत हुई है, वो कार्ल सेगन जो फेमस मुलहिद था उसकी वो वाइफ थी, तो उसने ये कहा कि नेचुरल सेलेक्शन इज अ कंसर्वेशन फोर्स, इट डजंट क्रिएट, वो यानी जो नेचर में है उसको प्रिजर्व करता है, ये नेचुरल सेलेक्शन डजंट क्रिएट, इट हैज नो क्रिएटिव पावर। मगर डॉकिंस को देखें या इनके जो मेन प्रॉपर प्रोपेगेंडिस्ट हैं इनको देखें, तो ये नेचुरल सेलेक्शन को एक बहुत क्रिएटिव पावर देते मगर उसकी एविडेंस नहीं देते ये लोग। अक्सर स्टोरीज देते हैं आपको, जस्ट सो स्टोरीज देते हैं, मगर एविडेंस के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी साइंसदान ओपनली इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एक्सप्लेन एडाप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एक्सप्लेन एक्स वाई जेड, यानी ये अब ओपन सीक्रेट है, मगर ऑब्वियसली फॉल्सिफायबल नहीं है ना बेसिकली। या डेफिनेटली राइट, आई थिंक मैंने आपका जो हमारा प्रॉमिस टाइम था उससे मैंने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया है, उसकी माजरत। जितने भी हमें हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, हमने दोनों ने कोशिश की है कि जितने भी सिंपलिस्टिक टर्म्स में हम बात कर सकें हम वो करें। एंड आई ऑल्सो हैव टू शेयर वन थिंग, बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि मेरा ये प्रोग्राम था कि हम इसको सारी गुफ्तगू को हम इंग्लिश में करें, लेकिन मैंने अपना पर्पस जब सबूर भाई को बताया कि हम इसको जो जनरल एजुकेशन है उस तक करना चाहते हैं, तो वेरी काइंडली उन्होंने उनका जो नेचुरल फ्लो है वो इंग्लिश में है, लेकिन आपके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे उर्दू में करते हैं जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ से कुछ स्ट्रगलिंग होगी इसलिए कि साइंस पे ज़्यादा वो इंग्लिश में है, कुछ लफ्ज़ हैं जिनके ट्रांसलेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है वो तो हमें वैसे ही कहने पड़ते हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग मैं जो यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता था कि हिज काइंडनेस इज़ बियॉन्ड मेजर, कि एक्चुअली ये उनका आइडिया था कि नहीं हम करते इसे उर्दू में। होपफुली आपको सारा चीज़ें जो है वो अच्छी लगी होंगी, कोई क्वेश्चन है बाय ऑल मीन्स आप मुझे भेजिए, डायरेक्ट सबूर भाई को भेजिए, वी विल डू आवर वेरी बेस्ट टू गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ वी कैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।